केंद्र व राज्य सरकार द्वारा तीन तलाक कानून को गैर कानूनी करार दिए जाने के विरोध में कोटा शहर काजी अनवर अहमद के नेतृत्व में विशाल मौन जुलूस निकाला गया। मौन जुलूस में हजारों मुस्लिम पुरुषों ने भाग लेकर अनुशासित तरीके से केंद्र सरकार के ट्रिपल तलाक कानून का विरोध किया। मुस्लिम समाज में तीन तलाक के नाम पर प्रताड़ना झेल रही मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में मोदी सरकार ने तीन तलाक दिए जाने को गैर कानूनी करार देते हुए लोकसभा और राज्यसभा में ट्रिपल तलाक कानून बिल पास करवाया। मुस्लिम समाज ने सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक कानून बिल को शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। कोटा में शहर काजी अनवर अहमद के आह्वान पर ट्रिपल तलाक कानून बिल के विरोध में गुमानपुरा स्थित मल्टीपर्पज स्कूल से विशाल मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय पुरुष गुमानपुरा स्थित मल्टीपर्पज स्कूल पहुँचे। शहर काजी अनवर अहमद के नेतृत्व में मौन जुलूस गुमानपुरा स्थित मल्टीपर्पज स्कूल से रवाना होकर कैनाल रोड, गीता भवन, सरोवर टॉकी, लखी बुर्ज, अग्रसेन चौराहा, नयापुरा होता हुआ जिला कलेक्टोरेट पहुंचा। कोटा जिला कलेक्टोरेट के बाहर शहर काजी अनवर अहमद ने लोगों को संबोधित किया। ट्रिपल कानून जो कानून की शक्ल तैयार कर चुका है, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में नाराजगी इसलिए नहीं कि किसी का हक मारा जा रहा हो, नाराजगी सिर्फ इसलिए है कि ऐसे कानून को जिसको हम खुदाई कानून समझते हैं उसमें मदाखलत की कोशिश की गई है और इस मदाखलत को मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको कबूल नहीं कर सकता। हज़ार कानून बना दे लेकिन खुदा का कानून नहीं बदलेगा, वो अपनी जगह है, अपनी जगह रहेगा, मानने वाले उसको मानेंगे, उसी पर चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज एक तरफ उसी कानून के तहत उसको तीन तलाक माना भी नहीं गया, दूसरी तरफ उसको सज़ा भी दी गई, तीसरी तरफ उसकी बीवी का खर्चा भी उसके ज़िम्मे डाल दिया गया। तो अगर वो मुजरिम कानून तीन तलाक का तो मानते ही नहीं हो तलाक में, तो मुजरिम कैसा, काय का मुजरिम है वो, और जब मुजरिम है तो सज़ा कैसी, जब सज़ा दे दी तो उसका नान नफके की जिम्मेदारी कैसे, क्या दिल में उसको तुम तनख्वाह दोगे जिससे वो बीवी बच्चों का खर्चा चलाएगा। ये अकल के भी ख़िलाफ़ है और फलसफे के भी ख़िलाफ़ है। इस कानून को बदला जाना मुसलमानों की एक ऐसी आवाज़ है जो इंशाअल्लाह पूरी होगी और ये हमेशा इसी को पर कायम रहेंगे। ये वो कानून नहीं जिसको इंसान ने बनाया है, ये खुदाई कानून है और खुदाई के कानून की हिफाजत करने वाले मुसलमान हैं और मुसलमान की हमेशा हिफाजत करते रहेंगे और खुदा उनको इस पर कायम रखे। जी एक सवाल,